अरे कौशल्या चाची, मुझे बोल देती सब्जी मैं लेके आ जाता। अरे इसी बहाने चलना फिरना हो जाता है, वरना घर में बैठे बैठे घुटनों में दर्द हो जाता है। हाँ ये बात भी सही है। चाची इस बार दिवाली आदित्य के साथ मनाओगी आप? यही मनाऊंगी अपने घर में सबके साथ। तो फिर ठीक है, इस बार चाची लड्डू थोड़ा ज्यादा बना लेना, पिछली बार मेरे को लड्डू कम मिले थे। और कोई काम हो तो चाची जी बताइएगा। हेलो माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? कविता कैसी है? गुड़िया कैसी है? माँ हम सब ठीक है। मैंने इसलिए फोन किया था कि अब आप हमारे पास आ जाओ। आप कब तक अकेले रहेंगी? मैं और कुछ नहीं सुनने वाला। अरे सुन तो, यहाँ लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ खुश हूँ। माँ मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मैं आज शाम गाड़ी भेज रहा हूँ और आप हमारे पास आ रही हैं बस। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं यहाँ ठीक हूँ? यहाँ सब लोग हैं, यहाँ अपनापन है, यहाँ सब मुझे जानते हैं। कुछ भी जरूरत हो तो लोग मदद के लिए आ जाते हैं, वहाँ कौन आएगा? यहाँ सब मिलकर त्योहार मनाते हैं, वहाँ कौन मनाएगा? वहाँ लोग अपने कमरों में बंद हो जाते हैं और फिर कोई जिए या मरे किसी को कोई परवाह नहीं होती। मैं तो बस 2 दिन के लिए जाकर वापस आ जाऊंगी, मैं वहां नहीं रहने वाली। मैं अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ सुबेदार जी। कौशल्या कहीं जा रही हो? हाँ आदित्य के पास। अब की बार दिवाली यहाँ नहीं मनाओगी? नहीं नहीं, वो तो गुड़िया जिद कर रही थी, उसे मिलकर वापस आ जाऊंगी दिवाली से पहले। कौशल्या जी आप ही हो? हाँ। आपकी गाड़ी आ गई है? हाँ। हम आ गए हैं क्या? हाँ जी। वेलकम माँ। अरे माँ वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। जीते रहो। माँ कैसी लगी हमारी दिवाली की तैयारी? माँ चलो तुम्हारे घर चलते हैं, ये रहा कौशल्या निवास। माँ ये रहा तुम्हारा घर। माँ मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये है मेरा कमरा, आओ तुम्हें पूजा घर दिखाता हूँ। ये है पूजा घर। दादी चलो मैं अपना कमरा दिखाती हूँ। हाँ। आओ दादी आओ।
ये है मिनी मिकी और ये है गोलू। ये गोलू है और इसका नाम क्या है? ये है प्रिंसेस, चश्मे वाली प्रिंसेस। और माँ ये है तुम्हारा कमरा। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली, गुड़िया से मिलने का मन था इसीलिए मैं आई। ठीक है माँ, तुम आराम करो। क्या हुआ? लगता है माँ मन बनाकर आई हैं वापस जाने के लिए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ कहाँ है? अपने कमरे में होंगी। माँ, कविता, कविता आई। माँ तो अंदर नहीं है, क्या कहाँ गई? जी साहब। अरे आपने मेरी माँ को देखा है क्या? जी। कहीं वो नीचे तो नहीं है? क्या? क्या हुआ? सोचा था माँ को ये जगह पसंद आएगी तो हम सब साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन चिंता मत करो, माँ आ जाएगी। हाँ? दादी आ गई। माँ तुम कहाँ चली गई थी? इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना। अब मैं जहाँ रहूंगी सूबेदार जी भी मेरे साथ रहेंगे, इनके बिना दिवाली नहीं मना सकती। आज के दिन भी कोई रोता है क्या? हीरो होम्स, दिवाली की खुशियां आपके अपनों के साथ।